नाइन्थ ए क्लास बेटा। बेटे आज मैं आपको ये जनसंख्या वाले लेसन से प्रश्न समझाने जा रही हूँ, स्वास्थ्य तथा पेशों के पक्ष से भारतीय जनसंख्या के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा करें। पहले स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य मतलब सेहत। सेहत को जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है कि जो यहाँ के भारत मतलब जहाँ की भी बात करें कि वहाँ के नागरिक स्वस्थ हैं अथवा सेहतमंद हैं, इसका ये मतलब होता है। कहते हैं इसका महत्वपूर्ण भाग माना जाता है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारों को लगातार प्रयासों के कारण भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1950 में जो है 25 प्रति हज़ार थी, वह 2011 में कम होकर 7.9 प्रति हज़ार रह गई है। इस प्रकार औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, वह 2011 में बढ़कर 65.2 वर्ष हो गई है। ये महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारणों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जैसे कि जनता का स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव, मतलब जो मतलब कीटाणुओं से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव, बीमारियों के इलाज में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। सरकार ने हज़ारों हस्पताल, डिस्पेंसरियां तथा स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं ताकि जनता को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्राप्त हो सकें। परंतु फिर भी स्वास्थ्य का स्तर मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अभी भी कम है। हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को अभी भी सही भोजन नहीं मिल पाता है। साफ पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य सुविधाएं केवल एक तिहाई ग्रामीण जनता के लिए ही मौजूद हैं। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए एक सही जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। दूसरा है पेशे। पेशे मतलब कौन कौन से काम धंधे करते हैं, कौन कौन से जो हैं हमने धंधे जो हैं अपनाए हुए हैं। आर्थिक रूप से कार्यशील जो हैं जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। अलग अलग